सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह साहब व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज है गुरु नानक जयंती और आप सभी को सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व दी लाख लाख बधाइयाँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं गाजीपुर के गुरुद्वारे में, ठीक है। सो अभी जो भी कीर्तन भजन हो रहा है उसको मैं आपका पूरा व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। और बड़े हर साल जैसे इस साल भी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का पूरा सीन गुरुद्वारे का। जो भी रागी जत्थे आए हैं वे भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, ठीक है। सो मैं इस पूरे गुरुद्वारे का आपको दिखाता हूँ व्यू, जो कि काफ़ी अंदर से अच्छे से पूरा सजाया गया है, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ आपका व्यू और देखिए आप, ठीक है। जी का है, कबीर जी का है,
ज्ञानदेव जी का है, परमानंद जी का है, पीपा जी का है, और भजन कीर्तन आप सुन रहे थे। अपना उम्र समय निकाल करके हमारे बीच में गाजीपुर का गौरव, गाजीपुर विशाल, संगीता वर्मन जी जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना उम्र समय दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे चेयरमैन के प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी आ गए हैं, वो भी अपना गुरु के चरणों में टेक रहे हैं। हमारे बीच में गाजीपुर सूफी नगरों के नए डायरेक्टर वर्मा जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व पर मैं सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी का मिशन था, दो लाइनों का मिशन था, बोले सोनिहाल लोग सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी जो प्रथम गुरु हैं, उनके प्रकाश पर्व 552 हमारे सभी नानक साहब के चरणों में शीश झुकाने वाले हमारी गाजीपुर जनपद के अभिभावक लोग, माताएं बहने यहाँ पर आए हुए, गाजीपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री विनोद अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित, श्री निर्गुण केसरी जी हमारे बीच में उपस्थित, गाजीपुर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित, सुखबीर एग्रो के सभी सम्मानित बंधुजन, तमाम गाजीपुर जनपद के गणमान्य लोग हमारे इस प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह कहते हुए कि नानक साहब ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि हम परमात्मा का जप करें, परमात्मा का नाम लें और मेहनत करके, परिश्रम करके हम जो अर्जित करते हैं उससे जरूरतमंदों की मदद भी करें, तो उनके बताए इस रास्ते पर यदि हम लोग चलेंगे तो इस विश्व का, इस देश का, इस जगत का कल्याण होगा। और आज मैं यह भी कहना चाहूँगी कि 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खुल गया है, उसकी भी सबको शुभकामनाएं। और अपने प्रथम गुरु के प्रकाश पर्व पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जनपद के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए हम लोग नानक साहब के चरणों में शीश झुकाते हैं कि पूरे जगत का आपके द्वारा कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पापा कुसुम गुरु नानक देव जी के 552वां प्रकाश उत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुरु नानक देव जी के इस नगर का विकास हो सकेगा। आप अपनी बात समाप्त करते हैं। उठना लगा ऊंट। सो फ्रेंड्स, अभी आपने यहाँ का व्यू देखा जो कि काफ़ी मन भाव से भजन कीर्तन चल रहा है, और मैंने ज़्यादा तो वीडियो नहीं बनाई बट शॉर्ट ही में ली है, ठीक है। सो मतलब बहुत अच्छा लगा भजन कीर्तन सुन के, और जो भी अभी अंकल जी ने बताया उनके बारे में, श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, कि उनके राह पे हमें चलना चाहिए, और उनका तो आशीर्वाद हमारे साथ है ही। सो ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है लंगर स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको पूरे लंगर जो स्टार्ट होगा मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। ये पर्व मनाया गया है, ठीक है। सो फिर लंगर स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, और जो लंगर है वो बहुत ही टूट बरताया जाएगा सबको। काफ़ी लोग आ रहे हैं लंगर छकने, जो कि बहुत ही, जो भगवान का लंगर होता है ना, काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। सो फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का पूरा व्यू लंगर का, ठीक है। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ यहाँ इस गुरुद्वारे की वीडियो जो कि आपने देखा, और लोग कैसे भक्ति भाव से भजन कीर्तन सुन रहे थे, और काफ़ी अच्छे से लंगर का आयोजन भी किया गया है, ठीक है, और बहुत मज़ा आया, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम करते हैं अपने वीडियो का डी एंड, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। मज़ा आया।